दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें, आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा। है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगी। सर, इस बजट में आशा दिखती है, आशा एक नए भारत की can be laid on the table of the house. I am permitting all of them today because it's the last day. Please. धन्यवाद सभापति जी। माननीय सभापति जी, इस बजट में आशा दिखती है, आशा दिखती है एक नए भारत की, सशक्त भारत की, आत्मनिर्भर भारत की। I see a hope, hope for a new India, stronger India and a self-reliant India. It will set us on the path of economic and manufacturing powerhouse. और सर, इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो 34.5% वृद्धि की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा किया जाएगा। सर, मुझसे जब विपक्ष के नेताओं में मनोज जी कह रहे थे कि आम बजट या खास बजट, सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। सर देखिए, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय देना, हर परिवार को पक्का मकान देना, हर गांव तक बिजली पहुंचाना, हर गरीब को मुफ्त में बिजली देना, 4-4 LED के बल्ब देना, और अब हर घर नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है। यही नहीं, अनुसूचित जाति को आप किस में गिनते हो, खास में या आम में, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं। अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए सर, तो अक्रॉस मिनिस्ट्रीज 51.65% की बजट में वृद्धि की गई है, लगभग 83,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,26,000 करोड़ से ज्यादा किया गया। सर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय किसके लिए काम करता है, सामाजिक न्याय किसके लिए, उस पिछड़े के लिए जिसको आगे लाभ नहीं मिलता था, 28% की वृद्धि अगर उस बजट में की तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसमें करने का काम किया है। यही नहीं, विकलांगों के लिए, दिव्यांग के लिए किस में गिनते हो आप, आम में या खास में, इनके लिए भी बजट में 30% की वृद्धि करके 1171 करोड़ रुपए का बजट उसमें किया गया है। मिशन शक्ति महिलाओं को किस में गिनते हो, 16% की वृद्धि की तो इसमें की है। पोषण 2 अभियान किसके लिए है, उस बच्चे के लिए जो कुपोषण का शिकार होते थे, ये उसी के लिए शुरू किया गया। वो महिलाएं जो अनिमिक रहती थी, टीवी मुक्त भारत किसके लिए, ताकि हम हिंदुस्तान ने जो टारगेट दुनिया से पहले रखा है 2030 नहीं 2025 तक भारत को टीवी मुक्त बनाएंगे, ये भी किसी ने रखा तो नरेंद्र मोदी जी ने रखा। ये आरोप लगाया कि फैमिली सिल्वर बेचने जा रहे हैं। अरे सर, एक तो इनके नेता ने कहा कि हम दो हमारे दो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कौन सी वो दो कंपनियां थी जिसको आपने देश के बड़े 4 एयरपोर्ट दे दिए, ना आपने दिल्ली छोड़ा, ना मुंबई, ना हैदराबाद, ना बैंगलोर, क्या आप जवाब देंगे? ये 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का समय आपके समय शुरू हुआ था, जो उसके बाद मिला है। एयर इंडिया की दुर्गति किसने की, क्या हालत थी एयर इंडिया की, क्या देश नहीं जानता, किस हाथों में आपको देकर गए थे, और आपने 28 की बजाय 58 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात की, 7,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था, 50,000 करोड़ का आपने कर्जा ले लिया, डुबा कर आप एयर इंडिया को चले गए। अब हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा आप चाहते हो कि हर साल 6-6,000 करोड़ रुपया उसके लिए डाला जाए, लेकिन देश की गरीब जनता के विकास के लिए ना दिया जाए। क्या करना चाहिए, आप प्राथमिकता तय कर लीजिए। यही नहीं माननीय सभापति जी, दुर्भाग्य इस बात का है कि गलत यह करके जाए, 11%, 12% महंगाई दर आपकी सरकार में 10 साल में रहती थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 4% एवरेज इन्फ्लेशन है, ये हमने करके दिखाया। आप फिजिकल डेफिसिट को 5.6% पर छोड़कर गए, उसको कम करके 3.5% से कम लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आप लगातार, आपने एक के बाद एक देखा जाए, हिंदुस्तान के बैंकों को अग्रेसिव लेंडिंग करके उन लोगों को पैसा देने के लिए मजबूर किया जो विदेशों में भागकर खड़े हुए हैं।
आपने कोई कड़ा कानून नहीं बनाया। अगर कड़ा कानून भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल बनाया तो वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। एसेट क्वालिटी रिव्यू बैंकों का कराया मोदी सरकार ने। एनपीए सही डिक्लेयर किया मोदी सरकार ने। 5.5 लाख करोड़ रुपए रिकैपिटलाइजेशन बैंकों को किया मोदी सरकार ने। इस साल भी 20,000 करोड़ अगर फिर बैंकों को देने की बात करिए तो नरेंद्र मोदी की सरकार। पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर लाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार। अरे किसी भी विषय पर, किसी भी डिपार्टमेंट पर आप चर्चा करने के लिए तैयार होइए। हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। यही नहीं, कितनी देर बोलना है मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज कितनी देर बोलना है? ऐसी क्या बात थी कि आपकी सरकार में एक के बाद दूसरा घोटाला आता था? डॉक्टर साहब ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जो नीचे सारे थे उनकी बात तो देखिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। शायद ही कोई डिपार्टमेंट आपके समय ऐसा होगा जहां पर घोटाले की बू ना रही हो। लेकिन मोदी सरकार के 7 वर्ष होने जा रहे हैं, कोई 7 पैसे का आरोप भी मोदी सरकार के किसी मंत्री पर नहीं लगा। यह है ईमानदारी से चलने वाली सरकार। मैं यही नहीं, आप में से किसी ने कहा मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए क्या किया? अरे हमने तो किया सो किया, आप तो एक डेफिनेशन ही बदल पाए। हमने उनकी डेफिनेशन भी बदली, उनकी टर्नओवर लिमिट को भी बढ़ाया और इस आपदा के समय 3 लाख करोड़ रुपया अगर बगैर किसी गारंटी और कोलेटरल के 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग वालों को दी। सबॉर्डिनेट डेट स्कीम में 30,000 करोड़ रुपया, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम में हो। और यही नहीं, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग हैज ऑल्सो गॉन डाउन सर। इंटरेस्ट रेट लगातार कम हो रहे हैं। आज घरों की खरीद क्यों बढ़ रही है? रियल स्टेट में तेजी क्यों आई वापस? क्यों मध्यम वर्ग के लोग घर लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको एक साल के लिए हमने वापस और आगे इनकम टैक्स की एग्जम्पशन और जो इंटरेस्ट सब्सिडी थी सर, हमने वो भी बढ़ा दिया। गरीब को घर मिल रहा है, रेरा जैसा कानून। जब सभापति जी पहले मंत्री हुआ करते थे उस समय रेरा के कानून माननीय वेंकैया जी लेकर आए थे, मोदी जी की सरकार में लाए सर। इससे गरीबों को घर मिलने का काम भी हुआ, रुके हुए प्रोजेक्ट उसको भी पूरा करने का काम किया। रीस्ट्रक्चरिंग हमने एमएसएमई के लिए अलाउ की, 25 करोड़ तक के जो अकाउंट थे उसको रेजोल्यूशन लाने का भी, रीस्ट्रक्चरिंग का भी किया। कामत कमेटी ने रिपोर्ट दी 26 सेक्टर की, प्लस हमने एक हेल्थ जोड़ के उनको पैसा देने का काम किया। आप में से किसी ने कहा कि हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता? अरे इस देश में अपर हाउस में बैठकर अगर कोई ये कह दे कि देश मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता, दुर्भाग्य सर। हम हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस भी बनाएंगे और इकोनॉमिक पावर हाउस भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करके जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी हमने कौन से कदम उठाए? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आए। मोबाइल में हम लोग केवल दूसरे नंबर पर, हम केवल 2 फैक्ट्रियां थी, मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ा, आज दुनिया का दूसरा मोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता हिंदुस्तान बनकर तैयार हुआ है। दुनिया भर की बड़ी कंपनीज एप्पल के 3 से ज्यादा प्लांट यहां पर आए। यही नहीं, अब हमने 10 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए। 1,97,000 करोड़ रुपए हमने उसके लिए प्रावधान किया है। अलग अलग सेक्टर्स में भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। मित्रा स्कीम लेकर आए, स्मृति ईरानी जी का डिपार्टमेंट है। 7 टेक्सटाइल के बड़े पार्क आएंगे सर। एक एक पार्क में 40-40, 50-50 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता है। ये संभावनाएं खड़ी हो रही। इसके साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक के 4 पार्क आएंगे सर। बल ड्रग फार्मा, हम हिंदुस्तान की, हम दुनिया की फार्मेसी हैं, लेकिन रॉ मटेरियल कहीं और से आता है सर। रॉ मटेरियल यहां पर बने उसके लिए बल्क ड्रग पार्क 3 बड़े आने वाले हैं। लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें आएगी सर। फिनटेक हब यहां पे बनाने की हम बात कर रहे हैं। यही नहीं सर, जॉब क्रिएशन, ये पूछते थे कहां से होगी, यहीं से होगी। रियल स्टेट बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन बढ़ रही, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.5 लाख करोड़ रुपए हम ज्यादा करने जा रहे हैं। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा तो 2.5 से 3 गुना ज्यादा होगा। क्योंकि पटनायक जी यहां पर बैठे, पटनायक जी ने बहुत शानदार बात की थी कि उड़ीसा की सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं ने कैसे शानदार काम किया। सर मजा आता है सुन के, कोई अपने राज्य के बारे में अच्छा काम किया उसका उल्लेख करे, हमें सीखने को मिलता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के लिए 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया उसमें किया, ताकि हमारी बहनें और ज्यादा अपना स्वयं सहायता समूह बना सके। रेड्डी जी हमारे बैठे थे, टर्मरिक बोर्ड बनाने के लिए बात की, उन्होंने ये भी कहा कि एनआरएस के लिए वेलफेयर बोर्ड बने। सर मजा आता है जब कोई विपक्ष का नेता केवल आलोचना नहीं करने की बजाय अच्छे सुझाव दे।
सरकार उस पर विचार करती है। और इस बजट को बनाने से पहले हमने लगातार पूरे देश के बुद्धिजीवियों से, अर्थशास्त्रियों से विचार विमर्श भी किया। आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जो कदम उठाए सर, दुनिया और देश के लोगों से बात करके किया, सभी मुख्यमंत्रियों को ऑन बोर्ड लिया। यही कारण है कि दुनिया के देशों में आज सबसे कम मृत्यु दर है, तो हिंदुस्तान उन देशों में से एक है मेरे। यही नहीं सर, हिंदुस्तान में एक पीपी किट नहीं बनती थी, हम आत्मनिर्भर हुए, आज दुनिया भर को पीपी किट देते हैं। हिंदुस्तान हाथ फैलाता था आगे, आज हम दुनिया को कोविड वैक्सीन देने का काम भी 100 से ज्यादा देशों को किया, तो हिंदुस्तान की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। यही नहीं सर, हम आगे और बढ़ेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। सर कुछ बात किसानों पे करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा सर, क्योंकि बजट में एक बड़ा हिस्सा 65,000 करोड़ का पीएम किसान योजना में दिया। तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि क्यों कम हो गया, इसलिए कम हो गया क्योंकि तृणमूल की सरकार ने पश्चिम बंगाल के किसानों को सर 14,000 रुपया प्रति किसान जो मिलना था उन्होंने देने के लिए मना कर दिया कि हम अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल के किसान को मिल सकता था लेकिन ममता जी की हठधर्मी के कारण वहां पर नहीं मिल पाया सर। आयुष्मान भारत योजना हो उस राज्य में नहीं मिल पाई, पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर वहां पर चलता है, लोकतंत्र की हत्या वहां पर होती है सर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सर, हमने फिर भी कदम उठाए किसानों के उत्थान के लिए। कौन कहता है कि वो हमसे ज्यादा कर पाया किसानों के लिए, मैं पूछना चाहता हूं इस खुले मन से सर। ये लोग कहते काला कानून है, जिनकी नजर ही काली होगी, सोच ही वैसी होगी, उनको ये कानून काला ही नजर आएगा। ये हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध हैं हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करके छोड़ेंगे। सर मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं सर, अगर आप देखें गेहूं की खरीद यूपीए के टाइम पर 2013-14 में 33,874 करोड़ की हुई, हमने उससे दुगनी से ज्यादा 75,000 करोड़ से ज्यादा की खरीद हमने की सर। सर धान की खरीद इन्होंने 63,000 करोड़ की, हमने 1,72,752 करोड़ की। सर इन्होंने कपास की खरीद मात्र 90 करोड़ की, लेकिन मोदी सरकार में खरीद 25,974 करोड़ की हुई। कहां 90 करोड़, कहां 25,974 करोड़। सर यही नहीं, अगर आप देखेंगे सर कपास के लिए मैंने बता दिया, दलहन के लिए सर 235 करोड़ इन्होंने खर्च किए, तो हमने 10,530 करोड़, 40 गुना से ज्यादा खर्च किया। सर मैं बता सकता हूँ सर, मुझे अंत में केवल दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करनी है सर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि पेरिशेबल गुड्स खत्म ना हो। सर क्यों नहीं बनाया आप लोगों ने 65 साल? मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया, लेकिन उसके बावजूद ना पेट्रोल डीजल के किसी के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़े बड़े बुद्धि अर्थशास्त्री पिछली सरकार में थे, मैं खुली चुनौती देता हूं, वो कोई एक व्यक्ति आकर कहे कि कैसे सेस लगाने से दाम बढ़ सकता है? इस सदन में आकर वो गलत आंकड़ा देके चले गए, दूसरे सदन में जाएं, इस सदन में कहें आप लोग कह दो मंडी खत्म हो जाएगी। मेरी खुली चुनौती है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कोई बताए कहां किस कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी, कहां लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? है कोई कांग्रेस के नेता में दम या विपक्षी दल के नेता में दम जो बताए कि किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद होगी, एमएसपी बंद होगा? अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यह किसान की आय को दुगना करने का काम हमने लिया है, करके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी भ्रमित कीजिए, महात्मा गांधी के इस देश में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। और मैं इतना ही कहता हूं, आप जो मंडी खत्म करने की बात करते थे, हम 1,000 मंडियों को और सशक्तिकरण और करने जा रहे हैं। आपके पास न तर्क है न तथ्य है, आप तो केवल टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। ऐसी बात बोलो, हेडलाइन बने, नेगेटिव न्यूज चलती रहे, हम नकारात्मकता की ओर से सकारात्मकता की ओर ले जाना चाहते हैं। एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर देश के नौजवान, महिला, मजदूर, किसान, जवान सबका आगे बढ़ने का अवसर मिले। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप इस अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, मैं इतना ही कहते अपनी बात खत्म कर रहा हूं, जब 2014 में हमने सत्ता ली तब भारत दुनिया की 5 उन लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में लाकर खड़ा किया है। इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी सर।
टुडे इंडिया इज अमंग द टॉप 6 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और इसीलिए कहना चाहता हूं, हम समर्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए। आप विपक्ष की भूमिका निभाइए सकारात्मक सोच के साथ, आप सहयोग दीजिए। आप सत्ता में थे, हम भी देते थे, आज आप भी दीजिए, इकट्ठे मिलकर भारत को मजबूत बनाएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी।